हेलो दोस्तों, गप्पूड़ी की नई और प्यारी सी और छोटी सी वीडियो में आपका स्वागत है। क्योंकि अभी जो है वो टाइम हो रहा है सुबह की, 4 बज चुकी है, मतलब 4:15 के आसपास का समय हो रखा है। मैं उठ चुका हूँ, आप भी सोच रहे होंगे आज इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया कि सौरभ 4 बजे उठ गया जो 11 बजे तक सोता रहता है, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गया। सिर्फ आपके लिए और आपकी गप्पूड़ी को दिखाने के लिए कि गप्पूड़ी कैसे सोती है। टाइम आप देख सकते हो दोस्तों, 4:10 हो रहा है। ये हमारी घड़ी 2 मिनट वैसे पीछे है, इसलिए वरना 4:15 ही हो रहा है। इस रूम में आपकी प्यारी लोमड़ी सो रही है, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे सो रही है। मैंने इसको देखते ही मैंने सोचा वीडियो तो बना नहीं बनती है, इतना प्यारा रिएक्शन दिखाना पड़ता है लोगों को। देखिए दोस्तों, सुबह सुबह लोमड़ी सबसे डिसिप्लिन वाली है, सबको उठा देती है और देखो खुद भी उठ जाती है। देखो कैसे सो रही मम्मी के पास, एसी चल रहा है तो फुल मजे ले रही है एसी के। लोमड़ी की औलाद देखे का है मेरी लोमड़ी, देख लोमड़ी को सो रही है एसी के हवा में। पागल हो गया है क्या आजकल? शर्म नहीं है क्या? सुबह सुबह आएगा 4 बजे की तो सोचते थे 10 बजे 11 बजे आएगा, अब तो टेंशन हो गई मेरे लिए। तो मैं तो इसलिए जग गई क्योंकि मेरे कान में खुजली मच गई बढ़िया वाली, साफ कर देना सुबह उठ के जल्दी से। ठीक है लोमड़ी, लोमड़ी के दोस्तों कान जो है उसमें खुजली मच रही है, इसलिए लोमड़ी है ना डिस्टर्ब हो गई। जैसे ही सुबह होगी उस लोमड़ी के कान की सफाई करूंगा दोस्तों। दोस्तों वो क्या है, मैं 3-4 दिन में ना सौरभ से कान के मेल साफ करा लेती हूँ, लेकिन अभी लेट हो गया, 3-4 दिन से किया नहीं ना, अब सुबह उठते ही साले सबसे पहले काम ये कराऊंगी। देख लोमड़ी को, हाँ यार ये कान गंदा तो रहा है सर। सौरभ ज्यादा ही खुजली हो रही है, चल अभी कर दे मेरा कान साफ, चल चले अभी कान साफ करना पड़ेगा। देख लोमड़ी को, नौकर समझती है कभी भी कान साफ करा लेती है उससे। देर से कितनी बार बोला है टाइम पर मेरे कान साफ कर दी कर, वरना तेरी वाट लगा दूंगी। ऐसे सुबह सुबह उठा के कान साफ कराऊंगी तुझसे, खुजली मच रही है मेरे, जल्दी चल। पंखा चला दिया लोमड़ी, गर्मी लगी तुझे, ठीक है अब बैठ जाए, मैं ला रहा हूँ रुई हुई सब। सुबह सुबह 4 बजे कान साफ कराती है, इसको शर्म ही नहीं बिल्कुल। गपुली की टोकरी, गपुड़ी की टोकरी में से निकालता हूँ उसमें सारा सामान। इसमें गपुड़ी आया था जब छोटा था और आज देखिए हमारी गपुड़ी का सामान हम इसमें रखते हैं। इसमें गपुड़ी का पूरा स्टॉक है 1 महीने का, डॉग फूड के अलावा डॉग फूड अलग जगह रखते हैं। दवाएं गोलियां और कलम फेरने का टावेल वावेल बोल वोल सब है। देखिए बोल तो दे दे, खेल लूंगी सुबह सुबह। बोल ले गई, ये जो लिफाफा है दोस्तों वो दिया था उदयपुर से आए हुए प्यारे गप्पूड़ी के सब्सक्राइबर्स ने। देखिए मैंने संभाल के रखा है इसी में ताकि याद रहे मुझे कि हमारी गप्पूड़ी को कितने प्यार करते हैं लोग। रुई रुई कगटा, गप्पूड़ी की कॉटन, गप्पूड़ी के कान साफ करेंगे सुबह सुबह। कान साफ कान साफ कान साफ, मैं तो अब कान साफ नहीं कराऊंगी, मैं तो खेलूंगी सुबह सुबह छत पे जाके। देख छत पे जाके खेलेगी ये लोमड़ी, चल सौरभ कर दे आखिरकार, लेट गई हूँ मैं। कान साफ करा लो सुबह सुबह, रात नहीं उतनी मेरी निकलेगी रे। देख क्या करूँ यार, नींद नहीं आ रही थी, अगर कान साफ नहीं करता तो सौरभ मेरे। देख लोमड़ी को, मेरी डिस्टर्ब कर देगा नींद कान के चक्कर में। तेरी नींद कौन सी मायने रखती है, साला सांड की तरह सोके उठता है 11-12 बजे तक। लोमड़ी को रोस्ट कर रही मेरे को। दोस्तों मेरे कान जो है सौरभ ने सोचे थे ना उससे कहीं ज्यादा गंदे, इसलिए इसको बुलाना पड़ेगा खोपरे का तेल। खोपरे का तेल लेके आ जाए कान साफ करने के लिए, तभी चमक पाएंगे कान, तो हो गए मेरे कान। ठीक है ठीक है ठीक है, लेके आ रहा हूँ खोपरे का तेल। मुझे आएगा तो खोपरे का तेल आएगा। खोपरे का तेल मेरी लोमड़ी का, खोपरे का तेल, खोपरे का तेल। लोमड़ी तू इधर ही बैठना, मैं खोपरे का तेल लेके आ रहा हूँ तेल, ठीक है? इस रूम में नहीं छाया, यहीं बैठी रहना चुपचाप से। मैं भी चलूंगी मैं भी चलूंगी। देख लो लोमड़ी निकल गई दोस्तों मना करने के बावजूद। देख लो लोमड़ी को दोस्तों, देखो सो गई खोपरे के तेल से कान साफ कराने के बहाने मेरी नींद जगा के, ये सो गई आपकी लोमड़ी वापस आके। मैंने तुझको मौके दिए थे साफ करने के कान, अब तू ये नाटक कर रहा है, मैं भी क्या करूं, मैं तो सो रही हूं। देख मिल गया खोपरे का तेल दोस्तों, मिल गया, दे सौरभ अब जल्दी मेरे कान साफ। चल लेट जा कर रहा हूँ, ये एकदम प्योर खोपरे का तेल है दोस्तों, कच्ची घनी खोपरे का तेल है बिल्कुल। चलो लेट जाओ लेट जाओ, हाँ लेट जाओ। तो दोस्तों कर देते हैं हम खोपरे के तेल से कपड़े की कान साफ, फिर आपसे बात करता हूँ मैं कपड़े के कान चमका के। दोस्तों सौरभ ने मेरा एक कान तो बढ़िया तरह से चमका दिया, दूसरा कान बाकी है, दिखा दे रे सौरभ इनको एक कान मेरा। ला दिखाऊं, ये देखिए दोस्तों गपुड़ी जो है इसका कान पहले बहुत गंदा हो रखा था, अब मैंने अंदर तक कान की सफाई कर दी और देख लीजिए दोस्तों गपुड़ी का कान एकदम चमक चुका है, अब जो दूसरा कान है वो करेंगे हम साफ। तो बातों में क्या ध्यान दे रहा, जल्दी कर, मेरे दूसरे कान में बहुत खुजली मच रही है। सारी खुजली इसके अभी मच रही है, अभी तो सो रही थी नौटंकी, बात मेरी नींद बिगाड़ के नौटंकी करती है, इलाज जरा दूसरा कान लाओ। दोस्तों फाइनली मेरे
कान दोनों बड़े चमका दिए सौरभ ने की गाजर है सौरभ, इनको मेरे दोनों कान कितने मस्त चमक गए। दिखा रहा हूँ लोमड़ी, देखिए दोस्तों गपुड़ी जी का एक कान ये कितना साफ एकदम चमक गया अंदर, और ये हमारी गपुड़ी का दूसरा कान दोनों एकदम चमका दिए अंदर तक बढ़िया साफ करके। एकदम आराम से करने होते हैं दोस्तों इनके कान साफ, क्योंकि अगर हल्का सा भी अपना नाखून लग जाता है ना तो खून आ जाता है, इसलिए मेरे को बहुत धीरपाई से काम करना पड़ा था। और दोस्तों आप देख सकते हो इतना सारा मलवा निकला है गपुड़ी के कान से। मलवा किसको बोला? मलवा नहीं है मेरे कान का मेल है, ढंग से बोल। साला मलवा बता रहा है मेरे कान के मेल को। मेरे आता है कि तेरे भी दांतों का मेल? इतना थोड़ी आता, लेकिन गपुड़ी रुई भर गए पूरे। अब मैं क्या करूँ, मेरे ज्यादा आता है तो कान में मेल साफ करना तेरी जिम्मेदारी है। इस बार तेरे 4 दिन लगा दिए, लेकिन आइंदा नहीं सुनूंगी मैं। 2 दिन में कान की सफाई चेक करते रहकर मेरे। बस अब चल रहे यहाँ से, बहुत भयंकर गर्मी का भपका छूट रहा है यहाँ, गर्मी लग रही है, चल जल्दी। एक नाटक खोर को अभी से गर्मी लग रही है, इसको देखो कैसे बैठी है कद्दूड़ी बन के, मेरी कद्दूड़ी। चल सौरभ एसी के रूम में चल, गर्मी लग रही है मुझे। रोने लग गई लोमड़ी ऐसे वाले रूम में जाने के लिए, मेरे को तो वापिस आना पड़ेगा तेरा मलबा उठाने। एक बार बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रही क्या, मलबा नहीं वो मेरा। देख चलो एसी वाले रूम में, चलो एसी वाले रूम। पानी पीऊंगी, सुबह प्यास लग रही है पानी की। दोस्तों मेरे को सुबह सुबह पानी पीने का बहुत मजा आता है, जिंदगी में एकदम तरोताजगी रहती है सुबह सुबह पानी पीकर। लेकिन इस साले सौरभ ने क्या किया, कैमरा बंद कर दिया था तो मैं पानी पी ली ढेर सारा, फिर बाद में उल्टा मुझे वीडियो ही नहीं बनी काम चलेगा। हाँ दोस्तों यार कैमरा ही बंद रहेगा, नहीं तो गपुड़ी इतने प्यार से पानी पी थी तो 4 दाने पी खा लेती हूँ, सुबह सुबह का नाश्ता हो जाएगा। देख लो उंगली को सुबह सुबह का नाश्ता भी कर लेती है, देखो कैसे नाश्ता कर रही है बिना कही, इसको किसी ने कहा ही नहीं नाश्ता करने के लिए, उसके अलावा भी नाश्ता करने लग गई। मैं अपने हुक्म पे चलती हूँ, किसी दूसरे के हुक्म पे नहीं चलती। तू बोलेगा जब नाश्ता कर लू, मेरी मर्जी पड़ेगी उतना खाऊंगी, ऐसे पूछ के थोड़ी खाऊंगी। अच्छा चल एसी में यार, अब थोड़ी सी देर रुक जाए, आप जा ही रहे हैं एसी वाले रूम में, पूरा नाश्ता खत्म ही कर लेती हूँ मैं, बाकी चलती हूँ डायरेक्ट। वाह मेरी प्यारी लोमड़ी, सुबह सुबह ये ड्रामे किए तूने, मतलब नाश्ता भी कर लिया, पानी भी पी लिया, कान साफ भी करा लिया। लेकिन सौरभ बहुत गर्मी रही यहाँ पर, जल्दी चल यहाँ से, भपका छूट रहा गर्मी का। एसी में लेके चल मुझे, एसी में। एसी में चलेगी? चल रहे एसी में ले लो, जल्दी खोल रहे बहुत गर्मी है। क्या ठंडा ही रही यहाँ, कुछ जाती हूँ मेरे घर में। वाह वाह क्या ठंडा ही रही, मार्बल भी ठंडा है, रूम भी ठंडा है एकदम। चल छो जा फिर लोमड़ी, अब डिस्टर्ब नहीं करते हैं ठीक है। चल सौरभ अब सारी नौटंकी वोटंकी बंद कर दी और सोने दी मुझे चैन से। मैंने नहीं जगाया था तेरे को लोमड़ी, तूने जगाया था मेरे को। चल छो जा आराम से सो जाएगा दोस्तों ये। मैं जैसे ही इसने मेरे को उठाया ना तो मैंने देखा कान में खुजला रहा है, तो उसकी पूरी रात बिगड़ जाती दोस्तों, इसलिए मैंने सोचा कि गपुड़ी के कान साफ कर देने चाहिए ताकि हमारी गपुड़ी प्यार से छो सके। छो जा लोमड़ी अब ठीक है, मैं जा रहा हूँ। इधर जा रहा है तू? बेटू एडिटिंग करनी है मुझे, तभी तो तेरी वीडियो लोगों तक पेश कर पाऊंगा। तो ठीक है जा जल्दी मेहनत से काम कर। लोमड़ी चल ठीक है, गुड नाइट गपुली, गुड नाइट, आई लव यू। दोस्तों ये फ्री के किस्से नहीं है, लाइक करना मेरी वीडियो को, कमेंट करना और सौरभ के सौर व्लॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे सबके, ठीक है।